कारण हो गया फिल्मों का, शिक्षा नाम की चीज खत्म हो गई। आपने कब बताया कि लोकगीत में भी रुचि है आपकी, जी तो और लिखते भी हैं आप, जी जी तो कुछ क्षेत्रीय बोली में कुछ सुनाना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय बोली में मतलब अपने इधर की, हाँ, जिसमें आपने लिखा है, जैसे पिछली बार रिकॉर्डिंग किए थे आपने, हाँ कुछ याद हाँ है क्या सब? भैया झूला जनाए शिव शंकर, हाँ ठीक है, वो अलग सुना दीजिए। उतने याद, झूला जनाए शिव शंकर, हाथों में मेहंदी लगी है पार्वती मैया के, झूला जनाए शिव शंकर, ये थी थीम पानी हाँ, आगे का। अच्छा, हाँ बिल्कुल, एकदम से नहीं आ पाता वो चीज़ कि किस तरह से करें। हाँ सर, हम आपसे अब फिर से विषयांतर करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग न्यायिक परीक्षाएं देते हैं या जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तो उनको क्या, 12th के बाद आजकल वो हो गया है क्लैट, क्लैट के बाद 5 साल की LLB हो गई, अच्छा, तो उसके बाद जैसे वो निकलते हैं, तो जैसे लास्ट सेमेस्टर होता है उस समय उनको बैर एक्ट के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, सबसे कठिन बैर एक्ट होता है, उसकी भाषा कठिन होती है लाख, तो 1 साल उसकी भाषा समझ लेंगे, उसके बाद फिर वो अपना कोचिंग करें, उसके बाद वो तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत आसान होगा। अचानक वो बिल्कुल तैयारी करने बैठ जाए 5 साल के बाद, फाइनल ईयर के बाद, तो 1 साल उनका समझ लो खराब होगा। जी हाँ जी हाँ, तो ये तो हमारे बालाघाट नगर में तो शायद संभव नहीं है, इसके लिए तो बाहर ही जाना होगा। हाँ, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहाँ अच्छी कोचिंग की, यहाँ अच्छी कोचिंग। अच्छा, और कितने घंटे देना चाहिए उन्हें वक्त पढ़ाई के लिए? ये अपने उसके ऊपर है, अपन जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट थोड़ा बोर सब्जेक्ट रहता है, तो कम से कम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को दें, और दिन भर उसकी प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर हल करें, प्रश्न बैंक अपना खुद का बनाएं।